नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ बेहतरीन उपाय। तो जो भी नए व्यूअर्स आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जुड़े रहिए, बनिए इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा। दोस्तों, आज बड़े गंभीर मुद्दे पर बात करने वाली हूँ आपको। आपको मैं बताने जा रही हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास दैवीय शक्तियां हैं। है तो सबके साथ, सबके साथ नहीं कह सकते, कुछ लोगों के साथ नहीं होती है, सीधी बात है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हम सबके आसपास कुछ ना कुछ शक्तियां होती हैं, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप देवी शक्तियों के नजदीक रह सकते हैं, या तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि क्या कोई देवी देवता, कोई दैविक शक्ति आपके साथ है। तो मैं आज कुछ बात बताती हूँ, आप मेरी बात सुनकर महसूस भी कर पाएंगे कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें से कौन सी बात आपके जीवन को टच करती है। सबसे पहली बात, इंसान का चरित्रवान होना। अब आप कहेंगे कि चरित्र इस जमाने में चरित्र बहुत कम रह गया है, और चरित्र से मेरा कैरेक्टर से कोई रिश्ता नहीं है। आप शादीशुदा हैं, और आप शादीशुदा होने के बाद भी आप किसी से प्रेम करते हैं, आप अपने दोस्त की पत्नी से प्रेम करते हैं, आप अपने साले से प्रेम करते हैं, तो इसका चरित्रवान होने से कोई मतलब नहीं है। चरित्रवान कौन होता है इंसान? ठीक है, अगर आप दो इंसानों से प्रेम करते हैं तो आप अपनी पत्नी को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, कभी उसे भी कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, तुम्हें खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम्हें क्या जरूरत है मैं पूरा करूंगा। आप चरित्रवान रहिए, आप अपनी सारी जिम्मेदारियां बिल्कुल ईमानदारी से निभाइए। इसके अलावा ये कलयुग है, अगर आपसे कुछ हो जाता है, बहुत लोगों ने मुझे ये कहा है कि बस हो गया, मैं तो लगभग 55-60 साल का हूँ लेकिन मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो गया, ये पाप नहीं है। सृष्टि का एक भी पत्ता ईश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता है, और अगर मैंने ये किया तो ये भी भगवान की मर्जी से किया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए चरित्रवान होना और कैरेक्टर का बिल्कुल अलग संबंध है। आप चरित्रवान रहिए, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाइए, कोई ना कोई दैविक शक्तियां आपके आसपास रहेगी। दूसरी बात करूंगी, सुबह जल्दी उठना है। दोस्तों एक बात बताती हूँ, 100 बीमारी का एक इलाज कहते हैं ना, कि काश कोई एक दवा होती जिसे हम खाते और दुनिया की सारी बीमारियां ठीक हो जाती। अगर ज्योतिष में कोई एक उपाय मुझसे आप पूछेंगे, कोई सिर्फ एक उपाय जिससे कि आपके 75 तरह की समस्याएं दूर हो जाए, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और हर हाल में सूर्योदय से पहले उठना। जो इंसान सूर्योदय से पहले उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच उठता है, उसको कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती है, चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, आपके नक्षत्र खराब हो, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से 4 बजे तक कहते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी में देवी देवता स्नान करते हैं, उस वक्त जरूर जागे। अब मैं आपको संकेत बताती हूँ, बहुत सारे इंसान सोए रहते हैं, अचानक 3:30 बजते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुल के वो इधर उधर देखने लगते हैं, उन्हें टॉयलेट जाना होता है, बस उनकी नींद खुल जाती है, थोड़ी देर वो जागते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर वो सो जाते हैं। अगर आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो समझ लीजिए कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके साथ है। 3:30 से 5 का जो समय होता है, देवी देवताओं के विचरण करने का समय होता है, उनके स्नान करने का समय होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, अपने इष्ट को जपिए, देवी देवताएं हर हाल में उनकी कृपा आप पर बरसने लगेगी। और वैसे भी सूर्योदय से पहले उठने वाले इंसान की किस्मत तो अलग ही होती है, और सूर्योदय हो रहा है और आप निद्रा में है, नींद में सोए हैं, तो फिर तो आपका कल्याण कोई कर ही नहीं सकता। तीसरी बात, अपने इष्ट से जुड़े रहिए, अपने इष्ट को जपिए, 24 घंटे में कुछ भी पल ऐसा निकालिए जब अपने इष्ट को आप जपें, अपने इष्ट के नाम पे महीने में कुछ ना कुछ दान कीजिए, उनके मंदिर में चढ़ा दीजिए, उनके नाम पर किसी और को दान कर दीजिए, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स की तारीफ कीजिए, उनसे जुड़े रहिए, उन्हें सम्मान दीजिए। हम जो सम्मान देते हैं ना दूसरों को, वही घूमकर हमारे पास आता है। तो मैं आपको आज एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप दिन भर में कम से कम 4-5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखें सुंदर लग रही है, आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, किसी से कह दीजिए आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप बोलते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, आप कहना शुरू कीजिए। घूम कर आप एक महीने के बाद मुझे थैंक यू हर हाल में कहिएगा, क्योंकि जिंदगी बदल सी जाएगी। आप दिन भर में ये अपना मोटिव बना लीजिए कि मुझे 5 से 10 लोगों को तारीफ करनी ही करनी है, और पीठ पीछे भी तारीफ कीजिए। मुंह पर तो बहुत लोग तारीफ करते हैं, बना बना के झूठी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे तारीफ कीजिए, किसी दूसरे को किसी तीसरे के बारे में तारीफ कीजिए,
जिस दिन वो तारीफ घूमकर उसके कान तक पहुंचेगी ना कि आपने उसके पीठ पीछे तारीफ की, उस दिन से पॉजिटिविटी आपके पास आने लगेगी। तो अगर आप बना लेते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में हर दिन 5-10 लोगों की तारीफ करूंगा ही करूंगा, तो एक महीना घूमते घूमते एक सर्कल बन जाएगा, एक जलेबी बन जाएगी और जलेबी की मिठास आपको मिलने लगेगी। ये एक अजीब उपाय है, इसमें कुछ टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, लेकिन ये कमाल का असरदार उपाय है। कपूर घर में जलाइए, कपूर की टिकिया जलाइए, देवी देवताओं का वास होने लगेगा घर में। कोशिश कीजिए काठ की जो अगरबत्ती होती है, वो जो लंबी वाली स्टिक की अगरबत्ती होती है जिसका पीछे लकड़ी की बांस की वो तीली लगी रहती है, बिल्कुल ना छुए, बिल्कुल ना जलाए। पता नहीं क्यों बड़े बड़े मंदिरों में भी अगरबत्ती जला दी जाती है, लेकिन कोई भी अच्छा ज्योतिष होंगे, कोई भी अच्छे पंडित जी होंगे, वो अगरबत्ती को हाथ नहीं लगाएंगे। कपूर जलाइए, धूप जलाइए, और कपूर की टिकिया तो एक अद्भुत चमत्कारिक चीज़ है। अगर हर रोज आपके घर में कपूर की टिकिया जलती है तो देवी देवताओं का वास होने लगता है, आपको एहसास होने लगेगा कि आपके आसपास दैविक शक्तियां भी है। दालचीनी का टुकड़ा पानी में उबाल लीजिए, उसे पीजिए भी, उसे घर में भी छिड़काव कीजिए, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएंगी और देवियों का, खास करके देवियों का वास होने लगेगा। दालचीनी बहुत पसंद है, जितनी माएं हैं ना उन्हें बहुत पसंद है, वास होने लगेगा आपके घर में दैविक शक्तियों का और सकारात्मक ऊर्जाएं आपको नजर आने लगेगी। और मैं आपको एक बताती हूँ, परिवार में अगर कलह नहीं हो रही है, आपका परिवार ऐसा है कि हर कोई एक दूसरे की कमी महसूस करता है, खाने के टेबल पर अगर कोई नहीं है, कोई बच्चा ट्यूशन गया है या कोई दफ्तर से नहीं लौटा और उसकी कमी महसूस की जा रही है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, वो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, सूना लग रहा है, खाली लग रहा, समझिए ऐसे घर में देवी देवताओं का वास होता है। कोई दैविक शक्ति आपके घर के नज़दीक है तभी आपको आपके परिवार से जोड़ती है, वरना कुछ ऐसे घर भी हैं कि परिवार तो 16-17 है लेकिन कोई कहीं खा रहे हैं, कोई अपने बेडरूम में खा रहे हैं, कोई टेबल पे खा रहे हैं, कोई खाते खाते मोबाइल देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, खाना किसने बनाया, अच्छा बना, टेस्टी बना, चलो माँ की तारीफ कर दें, परिवार के और सदस्य कहाँ है, कोई मतलब नहीं, बस खाना खा रहे हैं। ऐसे घर में देवी देवताएं वास नहीं करती हैं, इसीलिए पारिवारिक एकता बनाए रखिए, कोशिश कीजिए अपने परिवार की सुध लेते रहिए, कौन कहाँ है, इस वक्त ट्यूशन जाता है क्या, आप कहाँ है, बहू कहाँ है, बेटा कहाँ है, जरा सब पूछ लीजिए, ढूंढिए सबको, तो देवी देवताएं धीरे धीरे इस तरह के घर में वास करने लगते हैं। अगर आपका दिमाग भजन पर जाता है, कोई मंत्रों पर जाता है, कहीं कुछ बज रहे हो और आप चल रहे हो और आपके कदम रुक जाए अचानक, आपको अच्छा लगे अंदर से, आपकी ताली बजने लगे, कहीं आप भजन सुन रहे हो और आप कुछ नहीं सोच रहे कि आपको कोई शर्म नहीं आ रही है, कौन मुझे देख रहा है, कोई क्या सोचेगा, आप ताली बजाने लगते हैं, भले आपको लोग पुराने जमाने का कहें, ओल्ड फैशन कहें, बहन जी कह दें, भाई साहब कह दें, लेकिन आपके आसपास देवी देवताएं, दैविक शक्तियां काम कर रही है, वही आपको मंत्रों की तरफ खींचती है, वही आपको भजन की तरफ, अच्छी बातों की तरफ खींचती है। आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ, आपके मुंह से भजन निकलने लगता है, आपके मुंह से मंत्र निकलने लगते हैं, आपकी ताली बजने लगती है, आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो समझिए दैविक शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं। अगर आपके घर में कोई एक इंसान भी ऐसा है तो बिल्कुल आप उनके पैर छू लीजिए, पूरे घर का बेड़ा वही पार कर देंगे। ये कुछ संकेत है दोस्तों कि दैविक शक्ति हमारे आसपास है या नहीं। पीले सरसों को घर में समय समय पर छींटा कीजिए, कहते हैं जितनी नकारात्मक चीजें होती है, देवी देवताओं के आने में जो बाधाएं होती है, वो पीले सरसों में चिपक जाती है, फिर जब हम घर की सफाई करते हैं तो वो सरसों के दाने उन चीजों को भी खींचकर निकाल देते हैं हमारे घर से, जो जनरली झाड़ू पोछा नहीं निकाल पाता है। तो कोशिश कीजिए घर में थोड़ा बहुत सुधार कीजिए, अपने स्वभाव में थोड़ा सुधार कीजिए, अपनी पत्नी की थोड़ी तारीफ कर दीजिए, और मेरी बहनों कभी अपने पति की बेवजह भी तारीफ कर दीजिए, थक कर आए हैं, थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूँ, कितना सुंदर चेहरा है आपका, और देखिए पसीना हो गया पूरा, लाइए मैं पोंछ देती हूँ, थोड़ा बहुत कीजिए, नहीं भी मन कर रहा है तो भी कीजिए, इससे सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, घर में देवी देवताओं का वास होता है और रिलेशन तो अच्छा ही होता है, अगर बुद्धि सुधर गया तो फिर वैसे घर तो हमेशा के लिए सुधर ही जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अच्छी चीजों को अपनाइए, देवी देवताओं को महसूस कीजिए, और हो सके तो सूर्य उदय से पहले उठिए, आपको जीवन में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी ही सुधर जाएगी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, सारे बड़े बुजुर्गों को मैं पांव छूकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सारे छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।